वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स। ये एक ऐसे है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा, और आज हम इसे समझेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दबाइए बेल के आइकन को ताकि आगे आने वाले सारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाल्दिमीर एक शहर है जहाँ पे एक खूबसूरत हैंडसम आदमी रहता है जिसका नाम है आइवन डेमेट्री एक्सिनोव। और ये काफी खूबसूरत है, हैंडसम है, और ये कभी कभी शराब पी लिया करता है, और शराब पीने के बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अब इसकी शादी हो चुकी है, इसका फैमिली है, और इसने शराब पीना छोड़ दिया है। तो मेन स्टोरी स्टार्ट होती है कि ये गर्मी का दिन है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु है, और एक्सिनोव जो है वो प्लान कर रहा है निजमी फेयर जाने का और वहां पे गुड्स को सेल करने का। निजमी फेयर, इसको आप नोट कर लीजिए। तो उसकी वाइफ उसके पास आती है और उसे बोलती है कि कल रात उसने उसे मतलब उसके लिए बैड ड्रीम देखा है, जिसपे आइवन मतलब जो एस्किनोव है वो उसे उसका मजाक उड़ाता है। और वो सीरियस होकर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कल रात सच में एक बुरा सपना देखा है जिसमें जब तुम फेयर से लौटे हो और अपनी कैप उतारे हो तो तुम्हारे सारे बाल सफेद हो चुके हैं। जिस पे एस्किनोव बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, और वह फेयर के लिए निकल जाता है। जब वो आधे रास्ते में होता है तो एक इन में रुकता है, होटल में रुकता है, जहां उसकी मुलाकात एक मर्चेंट से होती है जिसे वो पहले से ही जानता है। वो नाइट में टी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, साथ में पीते हैं, और अपने अपने रूम में जाके जो कि एक दूसरे के एडजॉइनिंग में रहते हैं, आसपास में अगल बगल वाले रूम रहते हैं, अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। चूंकि एस्किनोव का सुबह उठने का आदत रहता है, वो ज़्यादा नहीं सोता, तो वह सुबह उठता है, अपने घोड़ों को तैयार करता है, और आगे की जर्नी पूरे करने के लिए सुबह सुबह होटल के सारे बिल को क्लियर करता है और वहां से निकल जाता है। वो अभी वहां से निकला ही था, करीब कुछ घंटे बाद वो एक जगह रुकता है चाय नाश्ते के लिए, जहां पीछे से दो सोल्जर आते हैं ट्रायोका में, उसके पास आके रुकते हैं और उससे एस्किनोव के बारे में सबसे पूछते हैं, जिस पे एस्किनोव बोलता है कि वह उसी का नाम है। और दोनों सोल्जर उसे उस मर्चेंट के बारे में पूछते हैं जिससे वो कल रात मिला था, जिस पे एस्किनोव बोलता है कि वह तो होटल में ही रह गया और मैं सुबह सुबह आगे की जर्नी के लिए निकल गया। सोल्जर उसकी तलाशी लेने लगते हैं और एस्किनोव को कुछ समझ में नहीं आता है, और तलाशी के दौरान एस्किनोव के बैग से एक खून लगा हुआ चाकू मिलता है, और सोल्जर एस्किनोव को हथकड़ी लगा के वहां से ले जाते हैं। एस्किनोव जेल में है, उसकी बीबी और वह अपने बीबी के जो बुरे सपने के बारे में सोच रहा है, और वह वरीड है कि उसका सपना शायद सच हो गया, और उसे पता है कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। उसकी बीबी उससे मिलने जेल पे आती है, तो एस्किनोव और उसकी बीबी उससे पूछती है क्या उसी ने उस मर्चेंट का मर्डर किया है, जिससे एस्किनोव काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि सारी दुनिया के साथ साथ उसकी बीवी भी उसका भरोसा नहीं कर रही है। और एस्किनोव अपनी वाइफ को बोलता है कि वो जार के पास जाए उसकी पटिशन लेकर के, जिस पे उसकी वाइफ बोलती है कि वह उसके पास गई थी जिसे जार ने रिजेक्ट कर दिया है, अब उसे सजा भुगतनी पड़ेगी, और वो वहां से चली जाती है। और पूरे बाकी के जितने भी हिस्से हैं, पार्ट हैं, उसमें उसकी वाइफ फिर उससे मिलने या उसके परिवार का कोई भी उससे मिलने नहीं आता है। वह जेल में 26 साल हो चुके हैं, एस्किनोव थोड़ा बूढ़ा हो गया है, और
गॉड में, भगवान में काफी विश्वास करने लगा है। जो जेल के जितने भी मुजरिम हैं वे सभी उसे ग्रैंडपा के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वो सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और यहाँ तक कि जेल अधिकारी भी अगर जेल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी राय लेने जरूर जाते हैं। इसी प्रकार जेल में रहने के क्रम में कुछ महीने बाद एक नया कैदी उस जेल में आता है जिसका नाम रहता है माकार सेमियोनिच। ये इसकी मुलाकात एस्केनोव से कुछ दिनों बाद होती है, और इन दोनों के आपस की बातचीत में माकार सेमियोनिच अपने बारे में बताता है कि उसे जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि उसने अपने दोस्त के घोड़े को उधारी में लिया था, लेकिन उस पर चोरी का इल्जाम लगा है और उसे जेल में डाल दिया गया। और इस पर वो ये भी बताता है कि बहुत साल पहले उसने एक गुनाह किया था, बहुत बड़ा गुनाह किया था, और उसके लिए अभी तक उसे कोई सजा नहीं मिली, और इस बार उसने कोई भी गुनाह नहीं किया और उसे इस बार सजा मिल गई है। और इसी क्रम में मकर सेमियोनिच को एस्केनोव से उसके बारे में जब पूछता है तो एस्केनोव अपने बारे में सब बताता है, जिस पे मकर सेमियोनिच उसे टोंट कहते हुए कहता है कि अगर तुमने मर्डर नहीं किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे रूम में जाए और वह मर्डर मतलब खून लगा चाकू तुम्हारे बैग में रखा है जो कि तुम्हारे सिर के नीचे तकिए के अंदर रखा था। यह बात सुनकर एस्केनोव चौंक जाता है क्योंकि यह बात उसने कभी भी किसी से नहीं कही थी, और उसे बिलीव हो जाता है कि यह मकर सेमियोनिच वह इंसान है जिसने उस मर्चेंट का मर्डर किया है। वह काफी निराश होता है और वहां से बिना कुछ शब्द बोले चला जाता है। कुछ दिनों बाद मकर सेमियोनिच जेल से भागने की तैयारी कर रहा है। वह एक टनल तैयार कर रहा है जेल से भागने के लिए, जिसका पता एस्केनोव को चल जाता है, और मकर सेमियोनिच उसे धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी इसके बारे में बताया तो वह उसे मार देगा, जान से मार देगा, और दूसरा कि अगर वह चाहे तो वह भी उसके साथ भाग सकता है। इस पर एस्केनोव उसे बोलता है कि बहुत साल पहले ही उसने उसे मार दिया है। यह सुनकर मकर सेमियोनिच को यह बात पता चल जाती है कि एस्केनोव को इस बारे में पता चल गया है कि उस मर्चेंट का मर्डर उसने ही किया है। अगले दिन कुछ अधिकारी को उस टनल के बारे में पता चल जाता है। वे सारे कैदी को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन कोई भी कैदी को इसका नॉलेज नहीं रहता है। वे एस्केनोव को भी बुलाते हैं क्योंकि उन्हें बिलीव रहता है कि एस्केनोव झूठ नहीं बोलेगा, जिस पर एस्केनोव भी कुछ रिप्लाई नहीं करता है। इस पर मकर सेमियोनिच को बड़ा बुरा लगता है। उसके दिल में अजीब सी भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि उसके वजह से एक निर्दोष व्यक्ति को अपने जीवन के 26 साल जेल में बिताने पड़े। वह एस्केनोव के पास जाता है, उससे अपनी गलती की माफी मांगता है और उससे पेशकश करता है कि वह जेल अधिकारी के सामने जाएगा और अपनी गलती स्वीकार करेगा, जिससे एस्केनोव को उस जेल से रिहाई मिल जाएगी। इस पर एस्केनोव उसे बोलता है कि काफी रात वो सो नहीं पाया इस विचार को लेकर के, लेकिन अब वह इस विचार से मुक्त है, अब वह फ्री है और यहां से नहीं जाना चाहता, इसलिए उसे जेल अधिकारी के सामने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मकर सेमियोनिच जेल अधिकारी के पास जाता है और अपनी सारी स्टोरी उन्हें बताता है। जेल अधिकारी यह सुन करके उसका रिलीज लेटर लेकर के एस्केनोव के पास आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एस्केनोव अपने जेल के अंदर बने बेड पे मरा पाया जाता है, यानी कि वह अपनी फ्रीडम को नहीं देख पाता दोबारा। तो ये थी स्टोरी गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स, और जो मकर सेमियोनिच है वह इस बात को लेकर के काफी पछताता है कि उसके वजह से एक भले व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कष्ट में बिताया और अंत में वह मर गया। तो होप्स आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो करिए लाइक,
और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।